सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 को लेकर सुर्खियों का बाजार गर्म है। इस शो के नए सीजन में अब कई कलाकारों के नाम जुड़ चुके हैं। जी हाँ, तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो बिग बॉस 15 के लिए फाइनल किए गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है इंडियन आइडल में हिस्सा ले चुके अमित टंडन का, जो अपनी पहचान बनाने में आज तक मशक्कत कर रहे हैं। अमित को जैसे ही सलमान खान के शो का ऑफर मिला तो उन्होंने इनकार नहीं किया। टीवी एक्ट्रेस नेहा मारदा का नाम भी सलमान के शो में काफी लंबे वक्त से जुड़ा रहा है। मेकर्स ने अब इसके नाम पर मोहर लगा दी है। नेहा जल्द ही इस शो में धमाकेदार एंट्री करती हुई भी नजर आने वाली है। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रिधिमा पंडित ने भी सलमान के शो के ऑफर को कबूल कर लिया है। जल्द ही रिधिमा भी इस शो में चार चांद लगाती हुई नजर आएंगी। ये दिल आशिकाना में नजर आ चुके एक्टर करण नाथ भी सलमान के शो में एंट्री मार सकते हैं। दिव्या अग्रवाल को मेकर्स पिछले 3 साल से लगातार अप्रोच कर रहे हैं। दिव्या के नाम को इस शो के लिए कंफर्म माना जा रहा है। दिव्या अब इस शो का हिस्सा बनने को पूरी तरीके से तैयार हैं। अर्जुन के साथ सना मकबूल ने भी रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है। इस शो के बाद सना मकबूल बिग बॉस 15 का हिस्सा बनने वाली हैं। इन दिनों अर्जुन रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आ रहे हैं। कलर्स चैनल ने अर्जुन बिजलानी को बिग बॉस 15 के लिए भी फाइनल कर लिया है। आपको बता दें कि ये कंटेस्टेंट्स तो फाइनल हुए ही हैं, साथ ही साथ कुछ कॉमनर्स को भी बिग बॉस 15 के लिए लाने की प्लानिंग की जा रही है। वेल, आप बिग बॉस 15 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स के जरिए ये ज़रूर बताएं। साथ ही इनमें से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ।